हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सन्यासी आयुर्वेदा दवा कौन कौन ले सकता है। ठीक है दोस्तों, कौन कौन ले सकता है का मतलब है कि लड़का या लड़की, और साथ ही साथ कि ये दवा जो है किस एज तक दी जा सकती है, यानी कम से कम एज और ज़्यादा से ज़्यादा एज ये दवा किस एज तक जो है वो फ़ायदा कर सकती है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आदिल और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अदनान एंड आदिल ब्लॉग्स चैनल पे। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहले कि ये दवा जो है कौन ले सकता है, यानी लड़का या लड़की। ठीक है, तो ये दवा जो है दोनों लोग ले सकते हैं, लड़का भी ले सकता है और लड़की भी ले सकती है। तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि दवा को जो है किस एज तक दिया जा सकता है। देखिए दोस्तों, मिनिमम एज दवा लेने की क्या हो सकती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। मिनिमम एज मेरी राय में 25 साल या 22 साल भी ठीक है, 22-23 से आप शुरू कर सकते हैं इस दवा को लेने को, क्योंकि 22 से पहले की जो एज होती है, यानी 25 तक की भी एज जो होती है, वो एक ऐसी एज होती है जहाँ पर आपकी बॉडी खुद आपकी बॉडी जो है आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स देती है, यानी आपके बॉडी को पोषक तत्व देती है ताकि आपकी बॉडी ग्रो करे, और 25 के बाद वो आपकी बॉडी में वो चीज़ ख़त्म होने लगती है। तो 25 साल से पहले ही पहले आप नेचुरल सेहत बना सकते हैं, यानी अपनी बॉडी को ग्रो कर सकते हैं। और उसके बाद अगर 25 साल के बाद भी अगर आपकी सेहत नहीं बन रही है तो आप दवा को ले सकते हैं, क्योंकि आपकी सेहत नहीं बनी, आपने काफ़ी कुछ ट्राई कर लिया, हर नुस्खे आजमा लिए, लेकिन आपकी सेहत नहीं बनी। ये तरीके दोनों लोग पे आजमाए जा सकते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। ठीक है, तो अगर आपकी एज के हिसाब से आपकी एज हो चुकी है और आपकी सेहत नहीं बन रही है जो मैंने आपको बताई कि इस एज तक, तो आप फिर उसके बाद ये दवा को ले सकते हैं। और अब हम लोग दूसरी बात करते हैं कि ये दवा मैक्सिमम किस एज तक दे देनी चाहिए। तो आई थिंक जो है मोस्टली लोगों को जो अपनी लाइफ के बारे में जो क्रेज़ होता है, वो शायद 40 से लेकर 50 तक के बीच में ही एज होता है, क्रेज़ होता है, और उसके बाद फिर वो अपनी जो है वो एक दूसरी ही दुनिया में चले जाते हैं। फिर उन्हें जो है अपनी जो है बॉडी से लेकर को बहुत ज़्यादा लगाव नहीं रहता, फिर इंसान अपने कमाने धमाने में लग जाता है। तो मेरी राय में कि आप दवा को बस 50 साल के अंदर ही अंदर लें, उसके बाद ना लें, क्योंकि फिर आपके लिए वो सही नहीं रहेगी, आपके बॉडी के हिसाब से भी सही नहीं रहेगी। और बहुत से लोगों के ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, कमेंट्स करते रहते हैं, तो पूछते रहते हैं कि सर क्या करना चाहिए, किस एज तक लें और कैसे दवा लेनी है, सेहत बनेगी या नहीं बनेगी। तो उन्हीं कमेंट्स में से एक मैंने कमेंट्स उठाया है, तो आपकी स्क्रीन पे होगा, पढ़ सकते हैं। सोनिया वर्मा कमेंट कर रही हैं, मेरी एज 49 है और मेरा वेट काफ़ी कम है, लगभग 44 किलो, क्या मैं ये मेडिसिन ले सकती हूँ, मुझे भूख नहीं लगती, मेरा वेट भी गेन हो सकता है। तो यहाँ पे सोनिया वर्मा पूछ रही हैं कि इनकी जो एज है वो 49 है, ठीक है, और वज़न जो है काफ़ी कम है, 44 किलो, और क्या इससे इनकी सेहत बन सकती है, ना भूख भी नहीं लगती है। तो देखिए, आपकी एज 49 है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आप 50 के अंदर तक ये ले सकते हैं दवा को, तो अभी आपकी 49 है और वेट आपका काफ़ी कम है। मेरी राय में आपके एज के हिसाब से 44 केजी वज़न जो है वो ठीक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन ठीक है, एवरेज है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका वज़न जो है कम है आपकी बॉडी के हिसाब से, तो आप जो है दवा को ले सकती हैं, और आप इससे भूख भी बढ़ेगी और वेट भी बढ़ेगा आपका। हाँ, एक बात ये ज़रूर है कि आप जब दवा का यूज़ करें, अगर आपको ऐसा लगता है शुरुआत में कि आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहे हैं, तो आप दवा को फ़ौरन छोड़ दीजिएगा, दवा को मत लीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है दवा लेने में, अगर 10-15 दिन 20 दिन या एक महीना, तो आप रेगुलर करिए, और अगर आपको ऐसा लगे कि वज़न बढ़ रहा है बिना नुकसान के, तो आप दवा को कंटिन्यू करके जो है 3 महीने तक ले सकती हैं, अगर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग अपनी भी प्रॉब्लम शेयर करें ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम का ऐसे सलूशन दे सकूं। ठीक है दोस्तों, तो चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर ऐसे ही अगली वीडियो में, धन्यवाद।